अभी इफ्तार के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ये ब्रेड है, ब्रेड को मैंने ऑलरेडी सर्कल के हिसाब से इसको मैंने काट लिया है, और इसमें है एक कॉर्नफ्लावर और जितना भी प्याज चिली ऑल दिस थिंग सॉल्ट ये सब देके मैंने रेडी किया है। तेल गर्म होने के लिए है, इसको इसके अंदर डाल के फिर डीप फ्राई करना है। और यहाँ पे चिकन मैरिनेटेड है और इसके साथ पराठा और फिर ये, और ये बहुत ही खूबसूरत से फ्राई हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है। तो अगर कुछ भी आप फ्राई कर रहे हैं उसके अंदर अगर कॉर्नफ्लावर दे रहे हैं तो उसका अलग सा ही एक फ्राई का टेक्निक हो जाता है, तो माँ मुझे बताई थी, तो ये मैं देख भी रही हूँ कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे चिकन को हम लोग करते हैं वैसे अंडे के साथ भी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम लोग भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अनकना मेहंदी की कहानी में आप सबका स्वागत करती हूँ वीकेंड के साथ, और आज है फ्राइडे, अभी बज रहा है 10:30 रात का। तो ये वाला वीकेंड हम लोगों का थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, जो ऑफकोर्स हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से होने वाला है बिकॉज डे आफ्टर टुमारो दैट इज ऑन संडे हम लोग के घर में एक इफ्तार पार्टी और दावत है, तो इफ्तार एज वेल एज डिनर। तो यहाँ पे जो लोग भी फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग सब आएंगे इंशाल्लाह, और अभी से ही उसका प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। तो जितना भी लिस्टिंग वगैरह जो कुछ भी करना है वो मेहंदी कर रहा है, मैं बोल दे रही हूँ क्या क्या लाना है एंड ऑल, ही इज राइटिंग ऑल दोस। और अभी वो बैठ करके वीडियो व्लॉग एडिट कर रहा है, तो इसके बाद फिर हम लोग सब हम दोनों जाएंगे और जो कुछ भी लिस्ट वाइज जो कुछ लाना होगा वो सब कुछ लाएंगे, और लाने के बाद फिर वी विल डू द अदर प्रिपरेशंस एज वेल। और क्या क्या खाना है, मेन्यू में क्या क्या होगा, जो बहुत ही एक्साइटिंग चीज है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो हम लोग चाहते थे कि इंडिया में भी जो लोग हम लोग के फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ भी स्पेंड करें, वो लोग भी हम लोग के इफ्तार में आए और डिनर में आए, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी मिस यू ऑल। अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता है और वो लोग भी अभी नहीं आ सकते, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रमजान में घर छोड़ के कौन आएगा, बट इंशाल्लाह वी विल सून बी देयर इंशाल्लाह। रमजान में उन लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और अभी फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है, और फ्राइडे आज से स्टार्ट होता है ये व्लॉग, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिनों का ये व्लॉग होगा, स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह। और ये मेहंदी यहाँ पर लिस्ट बना रहा है क्योंकि परसों हम लोग के घर में दावत है इंशाल्लाह, यहाँ पे जितने भी हम लोग के फैमिली मेंबर्स है सब लोग आने वाले हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे लिस्ट बना रहा है, बहुत देर से ही बना रहा है, तो अभी हाँ अभी हो गया, इट्स अबाउट टू फिनिश, इसके बाद हम लोग जाके फिर ये सारा सामान लाएंगे इंशाल्लाह और फिर आपको दिखाते हैं। मुझे आप लोगों को ये भी बोलना था कि whatever you can, whatever, how much minute, वो कोई matter नहीं करता है, even if it is a glass of water or anything, तो आप लोग भी try कीजिए। जो लोग भी हैं, बहुत लोग हैं ज़रूरतमंद हैं जो लोग नहीं बोलेंगे, of course नहीं बोलेंगे, बहुत लोग हैं जो मांग लेते हैं but ज़्यादातर लोग नहीं मांगते हैं, so you will have to see and look around। मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट दिस इज जस्ट अ स्मॉल कोशिश फ्रॉम आवर साइड। आप लोग भी ऐसा करते होंगे आई एम वेरी श्योर, और जो लोग भी नहीं करते हैं देन आई विल बी वेरी ग्लैड अगर आप लोग मेरा बात सुन करके अगर आप लोग करें तो, इवन इफ इट इज अ बर्ड, अगर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी इंसान है, तो ऑफकोर्स आप देखिए आसपास में कि अगर किसी को कोई जरूरत है, अगर आपके बस में कुछ भी हो देन ट्राई टू डू इट। हम लोग ऑलवेज पैसा दे करके लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग हैं, हम लोग भी नहीं कर सकते हैं ऑल द टाइम, बट अगर कुछ भी है, इवन इफ इट इज जैसे मैं बोली, अगर वो पानी भी है, इवन इफ इट इज अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आपके पास टॉफी है, कुछ भी है, तो आप दे सकते हैं। अगर कोई इंसान अगर आपसे, कोई अगर एनिमल भी, कोई भी अगर आपसे खुश होता है तो लेट इट बी, आप एक चीज करके तो खुश हो सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अनकना ने आपसे बोला कि अभी वो पैक कर रही है चिकन देने के लिए, तो ये जैसे फॉइल है ना, एल्यूमिनियम फॉइल का बॉक्सेस, ये इंडिया में यूज होता है बट उतना हम लोग यूज होते हुए नहीं देखे, यहाँ पे प्रेफर करता है सब कि ऐसे ही पैक करके, इवन इफ रिलेटिव्स को भी दे रहे हैं तो सब यही प्रेफर करता है कि ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल के बॉक्स में पैक करके दिया जाए। तो अभी ये अनकना पैक कर रही है सब, पैक हो जाने के बाद हम लोग निकलेंगे, लुलू से कुछ सामान लेना है और उसी टाइम हम लोग इंशाल्लाह इसको भी दे देंगे, जैसे जैसे जो रास्ते में दिखेगा उसको इंशाल्लाह। वैसे यहाँ यूएई में
बेगिंग अलाउड नहीं है, आपको बेगर्स रेयरली दिखे रास्ते में, तो बेगर्स मिलना या किसी को कुछ भी देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वी डोंट फाइंड पीपल सो इजली हियर। कभी कभी कोई दिख जाए तो वो लकीली होता है, बट हाँ आपको रास्ते में इंडिया की तरह बेगिंग करते हुए कोई नहीं दिखेगा, बिकॉज इट इज इलीगल इन द यूएई टू बेग। और ये भी रूल इस साल रमदान में यूएई गवर्नमेंट ने बनाया है कि आप पब्लिक प्लेस में विदाउट प्रॉपर अप्रूवल आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है इस वजह से। सो आपको बहुत ही सोच समझ के समझदारी से सब करना होता है। सो वी ऑल्सो ट्राई आर बेस्ट, और यही कि हम लोग लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं करें। सो ये सब जो बॉक्सेस पैक कर रहे हैं हम लोग नीचे कोई भी दिखे शॉप वगैरह में हम लोग किसी को भी दे देते हैं, वी डोंट लुक फॉर बेगर्स पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पे बेगर्स ऑलमोस्ट आपको नहीं दिखेगा। ये ऑलमोस्ट हो गया है, फिर हम लोग लेकर के निकलेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पैसा दिख रहा है, ये क्या है पता है? कल मेरा एक क्रीम आने वाला है, क्रीम आने वाला है मतलब खुद से चल के नहीं आएगा क्रीम उसका डिलीवरी पर्सन लाने वाले हैं, तो आने वाला था, पर आज वो नहीं आया जुमा की वजह से। हाँ, तो आज जुमा था तो इसी के लिए वो नहीं आए, तो फॉर दैट रीजन तो मेहंदी इसको निकाल के रखा है, जस्ट बिकॉज वो बेल बजाएंगे और मैं थोड़ा मतलब अगर कुछ कर रही हूँ तब नहीं पता ना व्हाट आई विल बी डूइंग इंशाल्लाह, तो इस वजह से मेहंदी उसको निकाल करके पूरा रेडी करके रखा है कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करे, जस्ट बेल बजाए वो मुझे पार्सल दे और मैं एक हाथ से उसको पैसा दूं। माशाल्लाह, इतना केयरिंग सब हस्बैंड्स को होना चाहिए। माशाल्लाह, रियर कैमरा ऑन है। हाँ, क्यों? और इसका जैसे मोटा जैसे कांच है तो ये चीज हम लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, तो दैट इज द रीजन वी गॉट दिस। ये है जग, ये जग वैसे प्लास्टिक का है पर देखने से इट डजेंट लुक लाइक, इसके अंदर 6 पीस ग्लास भी हम लोगों को दिए थे फ्री में नहीं, ये इसी के साथ ही था, तो इसमें बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट ऑफ शरबत या कुछ भी हम लोग जो देना चाहे वो लोग वो चीज हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये वाला जो टेबल आप लोग देख रहे हैं ये स्काई ब्लू कलर का, इसके नीचे एग्स है, प्लीज डोंट माइंड। और या ये वाला जो आप लोग जो देख रहे हैं ये वाला टेबल, ये कल ही हम लोग लिए थे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्पेस इन आवर किचन। तो नेक्स्ट है ये वाला एक, ये बहुत ही एक बिग एक प्लेट है, दिस इज नॉट अ ट्रे बट प्लेट ही है, बहुत बड़ा। हाँ, ओके, दिस इज अ सेनी, तो मुझे नहीं पता, तो एनीवेज, तो इसके अंदर हम लोग इफ्तार देंगे, फॉर दैट रीजन वी गॉट दिस। ये वाला सब है राइस प्लेट्स, तो ये बहुत भारी है, दैट इज द रीजन आई एम नॉट पिकिंग दिस अप। ये वाला है, ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये दिस इज नॉट अ सेनी, ये कांच का है, पर इसको मैं अगर उठाती तो आप लोग देख पाते, इसका डिजाइन भी बहुत खूबसूरत है, जब मैं नेक्स्ट टाइम उठाऊंगी तो आपको शायद दिखाऊंगी मे बी। और ये वाला है बिरयानी का, जो हम लोग ज्यादा क्वांटिटी का बनाने के लिए जो लाए थे वो ये है, वो ग्रीन हाउस से हम लोग ये लिए थे, ये है, इसको हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मुझे लिए थोड़ा समय हिला सकती हूँ। नो 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 नो, सॉरी सॉरी, हाँ थोड़ा दिखा दो। हाँ, तो ये था, ये विद लीड आता है, इसके अंदर ये भी है, बहुत ज्यादा स्पेस है। और ये है तवा, हाँ ये तवा, और ये मैं माँ को जब दिखाई थी तो माँ बोली थी कि ये एक्चुअल तवा ही है, सो नो नीड टू वरी, मैं ही वरी कर रही थी इस वजह से। और ये प्लेट एक बार दिखा दो तो फिर मैं दिखा देती हूँ, नीचे वाला। हाँ हाँ, ये वाला है राइस प्लेट, इसके अंदर थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा डिजाइन है, नहीं इसको उठाने की जरूरत नहीं है, दिस इज टू हैवी। हाँ, ये वाला है प्लेट, जस्ट देखिए, दिस इज सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। और एक ये है, ये जैसे दिखाया पहले ब्लॉग में, ये काफी पहले कहाँ मैं दिखाई, बहुत पहले एक बार ब्लॉग में दिखाया था, जो 2-3 ग्लास का बड़ा बड़ा बोल सेट था, चिकन सर्विंग के लिए एक था मेन कोर्स का, अच्छा, और दो पीस भी था। तो ये वो है, इसके अंदर 3 है, तो ये सारा चीजें हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो अभी फिर से अंदर सब रखा हुआ है, तो आई विल शो यू व्हेन आई विल गेट अ चांस। तो ये सब कुछ हम लोग जस्ट बिकॉज डिस्काउंट सेंटर से लिए थे, सो वी गॉट इन अ वेरी डिस्काउंटेड रेट, एंड वही चीज, ये चीज का ये सबका सबसे अच्छा लगा बिकॉज ऑफ रमजान मंथ, डिस्काउंट और भी ज्यादा था, तो इसलिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट ऑल दिस।
और अभी सब कुछ हम लोग रेडी कर रहे हैं। ये चिकन का मेहंदी रेडी कर रहा है, चिकन पहले ये धो के रखा है दिस वन, और ये अभी प्याज वो काट रहा है फॉर अलग से चिकन का जो प्याज लगेगा उसका भी और बरिश्ता के लिए भी। और ये बाकी सारा प्याज है, प्याज 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 दुनिया भर में जितना प्याज हो सकता है सब प्याज, आज प्याज का काम है। एनीवेज ये किस चीज के लिए काटे अभी? बरिश्ता। हाँ तो ये कम है। हाँ वो भी है ना, ये सब भी। हाँ चेक कर रहे हैं कितना मोटा या पतला। हाँ सबका इक्वल साइज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्याज का कॉर्नर कैसे इक्वल साइज में आएगा? हाँ तो तुम शुरू से लेकर के ऐसे करके काटो। इवन इफ आई एम डूइंग लाइक दिस आल्सो देन देयर विल कम अ पॉइंट जब साइज सेम नहीं होगा। वेट आई विल शो यू। हां तो वी कैन नॉट डू चॉपिंग लाइक दिस, क्योंकि वो जो भी करना है करो, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा और ये था, ये नया वाला था, ये वाला पुराना था। तो इसका फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, इफ यू सी के ये वाला कोटिंग तो सब फ्राइंग पैन्स में ये वाला कोटिंग दिया हुआ रहता है, तो ये बहुत जल्दी उठ के आ जाता है बिकॉज ऑफ यूजेज। तो हम लोग का ये यूज भी होता है पर फिर भी मैं अवॉइड करती हूँ। तो ये वाला जस्ट बिकॉज आपको दिख रहा होगा उठ रहा है, तो दैट इज वाई वी गॉट दिस। तो आपको भी ये मेरा सलाह है, अ वेरी गुड एंड फ्रेंडली एडवाइस, कि जब भी ऐसा हो तो यू शिफ्ट टू द न्यू वन। एक साल खुद चलाने की जरूरत नहीं है, एक साल तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, मैक्सिमम 2 to 3 months के बाद ही इसका कंडीशन खराब होने लगता है। ये सब कौन सा स्पैटुला यूज करते हैं? हाँ कौन सा स्पैटुला यूज करते हैं, ऑब्वियसली बात है इसके साथ ऐसा ही स्पैटुला जाता है जो आई थिंक एवरीवन नोस। और अभी हम लोग ये लिए हैं, तो इसका लीड नहीं था, ये जो लीड है ये इसके ऊपर रखते थे, पर इसका हम लोग अभी लीड ढूंढना होगा कि कौन सा इसमें फिट हो। तो वी विल सी इंशाल्लाह। इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा ही था, ये उससे ज्यादा बड़ा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं चिकन बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये है पूरा बरिश्ता का जो प्याज था, ये चिकन के लिए है सिर्फ। तो अभी इसको मैं बरिश्ता बनाऊंगी, उसके बाद ये अलग से प्याज काटा हुआ है विच आई विल यूज फॉर टू मेक द चिकन। ये वाला देखिए जो है, इसको जैसे नॉर्मली डीप फ्राई होता है वैसे नहीं करना है, जब थोड़ा सा आ जाए तभी तक करना है, क्योंकि इसका बाद में काम है जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। ये मैं टिश्यू में रख रही हूँ तेल सोक करने के लिए। यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, ये ग्रेवी के लिए अलग से होगा। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज चॉप करके रखे हैं, छोटा छोटा नहीं थोड़ा बड़ा, क्योंकि इसको हम लोगों को ग्राइंड करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कैश्यू को पानी में डाल के रखे हैं ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ग्राइंड करने के टाइम में। और भी दूसरा सारा चीज़ है ग्राइंड करने के टाइम में आपको दिखाऊंगी। ये है वो पेस्ट जो मिक्सर में अभी हम लोगों ने ग्राइंड किया, और ये मसाला है प्याज के ऊपर, गार्लिक जिंजर पेस्ट के ऊपर मैंने डाला कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। और यहाँ पे मैंने गैस धीमी आंच में रखा है जस्ट बिकॉज काजू है, तो काजू बहुत जल्दी वो टाइट हो जाता है, इसके लिए धीमे करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। मैंने यहाँ पर ऐड किया मिल्क हाफ ग्लास ऑफ मिल्क। अभी थोड़ा थोड़ा ये जैसे ही थोड़ा थोड़ा होगा उसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाना होगा। तो एज ऑफ नाउ ये जो मैं की थी, ये आप भी जब करेंगे तो ऐसे साइड में लगा हुआ होगा, तो जो भी लगा हुआ है उसको आपको पानी डाल के दूध डालने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा उसको भी ऐड करना है, ओके। और फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है, ये है चिकन रिजाला। मैंने लास्ट तक नहीं बताया था बट नाउ आई एम टेलिंग यू, दिस इज चिकन रिजाला। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, वाइटिश है पर थोड़ा रेडिश भी है, एंड आई बिलीव एंड आई थिंक दैट दिस इज परफेक्ट इंशाल्लाह। आई जस्ट होप गेस्ट को अच्छा लगे इंशाल्लाह। और इसमें मैं अभी थोड़ा सा ऊपर से केसर का 2-3 strands डाल लूँगी एंड देन इट इज़ रेडी टू सर्व। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ कीमा में सेवई। मेरा कंडीशन देखिए, मेहंदी का भी देखिए। कीमा में सेवई बनाने जा रही हूँ,
पर कि मामी सेवई का सिर्फ एक ही मैं उसमें डिफरेंट करूंगी, जो मावा दिया जाता है मैं उसमें मावा नहीं ऐड करके सिर्फ मिल्क ऐड करूंगी। तो अभी मैं रेडी करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेहदी को मैं जो एक काम दी हूँ उसमें से उसको इतना गुस्सा आ रहा है, बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। तो क्या हुआ है, इलायची का पाउडर हम लोग नहीं लिए थे, तो इसके लिए वो इलायची अभी पाउडर कर रहा है। सोचिए ये वाला खतरनाक काम अभी वो कर रहा है। इतना सारा कर दिया है मैडम को और चाहिए। वही ना, तो और चाहिए इसी वजह से बोल रही हूँ, अदरवाइज आई डोंट, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि वो जान बूझ के हमको परेशान करने का। सिर्फ मेरा नहीं तेजी से और कुछ नहीं। खैर तो अभी मैं सेवई बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, मुझ में एनर्जी अगर थोड़ा बहुत बचे तो पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। ये पानी मैंने डाल दिया है इसमें, अभी ये थोड़ा बॉयल होगा। ये 2 कप्स चीनी है, एक वाइट शुगर है, एक ब्राउन शुगर है, तो दोनों मैं मिला करके करूँगी। घी रेडी है और फूड कलर रेडी है, मैं ये थोड़ा डालती हूँ ऑरेंज कलर, थोड़ा सा कलर लाने के लिए। और ये बेचारा ये अभी ये कर रहा है। अच्छा तो ये देखिए, अभी ये मैं चाशनी रेडी कर रही हूँ, तो इसमें मैंने पानी दिया है। मैं 400 ग्राम ऑफ सेवई कर रही हूँ, तो 400 ग्राम के हिसाब से 3 कप्स ऑफ वाटर, उसके बाद 2 कप्स ऑफ शुगर जैसे मैंने दिखाया, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर जिसको मेहदी ने पाउडर किया, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। और उसके साथ मैंने दे दिया ये थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो कम्प्लीटली। थोड़ा सा जस्ट पिंच ऑरेंज कलर है तो उसको मैंने दे दिया है। और अभी इसमें थोड़ा सा जैसे ही बॉयल आएगा, शुगर जैसे ही मेल्ट करेगा, इसको मैं यहाँ से उतार दूंगी। ये वाला केसर और ये मेरा हस्बैंड, माशाल्लाह मेरा सारा जो ड्राई फ्रूट्स है उसको वो छोटा छोटा करके काट दे रहा है। कौन कौन सा ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो इसमें? देंगे कैशू, रेसिंस, पिस्ता, बस ये 3। हाँ तो ये तीन सोचे थे देंगे, नहीं आमन थोड़ा सा हार्ड होता है तो बेटर है, मुंह में लगेगा, सो बेटर टू फील रिलैक्स जब इंसान डेजर्ट खाए। तो एनीवेज, तो ये सब जो ड्राई फ्रूट्स है इसको हम लोग थोड़ा सा घी रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा, तो एकदम हार्ड नहीं चाहिए, जस्ट घी का वो फ्लेवर आने के लिए थोड़ा सा घी जैसे ही गर्म होगा उसमें ये सब डाल के रोस्ट करके ही उठा लेंगे। और घी रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट्स का स्पेशली फ्लेवर बढ़ जाता है। हाँ इसलिए हम लोग घी रोस्ट करेंगे। और चीनी जो है वो बिल्कुल ही मेल्ट हो चुकी है। हाँ तो इसको अभी दूसरा गैस में शिफ्ट करेंगे और ड्राई फ्रूट्स को अभी रोस्ट करेंगे। हाँ तो जैसे ही घी का एक बहुत अच्छा स्मेल आने लगे तभी गैस को बंद कर दीजिए। मैंने भी बंद कर दिया है और देखिए पूरा ग्लेज आ रहा है इसमें, माशाल्लाह। ये वाला वर्मिसेली मैंने लिया है, 2 पैकेट्स का है, 200 plus 200, 400 grams। And you can see yummy, mashallah. तैयारी ऑलमोस्ट अभी हम लोगों की हो चुकी है। बिरयानी दम तो तभी करेंगे जब खाएंगे डिनर में, और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी इफ्तार का तैयारी चल रहा है, ये मेहदी कर रहा है, ये सब करेगा और बाकी सारा चीज तो आपको दिखा ही चुकी हूँ। स्टे ट्यून्ड।
और अभी सब कुछ क्लियर क्लीन हो चुका है। सारा यूटेंसिल्स, बहुत सारा यूटेंसिल्स था तो वो सब कुछ क्लीन हो चुका है। मेहदी ने मुझे बिल्कुल भी यूटेंसिल्स क्लीन करने नहीं दिया क्योंकि मैं टायर्ड हूँ ये सब के वजह से, बट ही इज़ ऑल्सो टायर्ड, बट स्टिल आपको तो पता ही है जितना उससे हो पाता है ही विल डू एवरीथिंग, तो वैसा ही वो अभी कर रहा है। खाना बहुत अच्छा था, सबको बहुत अच्छा लगा है खाना। आई होप आप सब लोगों को भी, ज़्यादा हम लोग उस टाइम में बहुत रश हो जाता है ना, तो उस टाइम में हम लोग वीडियो नहीं कर पाए थे, बट मेन कोर्स में जो था वो तो मैं आपको पहले ही दिखाई हूँ। चिकन था, चिकन रिजाला, और फिर पराठा था, और फिर चिकन बिरयानी था, और लास्ट में सेवई था। जैसे जैसे मैं आपको दिखाई थी वही सब था, और इफ्तार में जो कुछ भी था वीडियो में सारा कुछ मैं डाली हूँ। तो आप लोगों के घर में भी दावत हो रहा होगा, आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द मेन्यू, आप लोग भी हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, बताइए। और ये मेहदी को मिला है, ये स्वीटी अभी मेहदी को ये परफ्यूम दी है आज। बहुत थक गया बेचारा, बहुत सारा यूटेंसिल्स वॉश किया, फिर पूरा हमसे बहुत ज़्यादा काम पर अनकना की माशाल्लाह। मैंने एक हफ्ता पूरा छुट्टी अनकना, नहीं वैसे तो नहीं होता है ऑफकोर्स, बट मेहदी ने पूरा इफ्तार सेट लगाया, फिर उसके बाद डिनर लगाया। देखिए इसको क्या हुआ है मुझे नहीं पता, आज दो ग्लास तोड़ा, पता है आज दोनों ग्लास तोड़ा, उतनी मतलब सब जब खाने बैठे थे उससे थोड़ा पहले ही दोनों ग्लास उससे टूट गए और हाथ से सब कुछ छूट रहा है उसका। वैसे ये उसका हैबिट भी है, आई डोंट नो। तो उसके बाद फिर क्लीनिंग में, फिर वो सब में जो भी काम होता है तो मेहदी ने बहुत हेल्प किया माशाल्लाह। अभी ये चेक कर रहा है परफ्यूम, माशाल्लाह। अच्छा है माशाल्लाह। और ये आप ही मुझे दी है, ये ईद का ड्रेस है, मेहदी को तभी दे दी थी जब मैं लास्ट वीडियो में दिखाई थी। ये सुरमा दी है, और ये एक दी है, ये कोई यूटेंसिल है टेबल के ऊपर रखने के लिए। और आप ही ये भी दी है मेरे माँ के लिए।